हम सभी ने अक्सर बहुत से लोगों के घर और ऑफिस में हंसते हुए गोल मटोल लाफिंग बुद्धा को जरूर देखा होगा। कई बार तो लोग इन्हें गुड लक के तौर पर अपने करीबियों को गिफ्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन है और कहाँ से आए हैं, और आखिर लोग क्यों इस हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति को गुड लक लाने के लिए रखते हैं? तो इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। मान्यताओं के अनुसार लाफिंग बुद्धा एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो 10वीं शताब्दी के आसपास हुयू किंगडम चाइना में रहते थे। चीनी और जापानी बौद्ध धर्म में उन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। लाफिंग बुद्धा को चीन में बुदई और पुतई के नाम से और जापान में होतेई के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग संसार की सभी मोहमाया को छोड़कर ध्यान में लग जाते हैं, और जो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वह बौद्ध कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब लाफिंग बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति की तो वह जोर जोर से हंसने लगे, और तभी से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया लोगों को हंसाना और खुश देखना। उनका शरीर गोल मटोल था और पेट बाहर निकला हुआ था। वे जब भी लोगों के बीच होते तो वे अपने बड़े से पेट को दिखाकर जोर जोर से हंसते थे और माहौल को खुशनुमा बना देते थे। उनके इन्हीं हंसमुख स्वभाव की वजह से लोगों ने उन्हें लाफिंग बुद्धा कहना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी जाते थे लोगों को इतना हंसाते थे कि वहाँ की सारी नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाती थी। उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और बौद्ध धर्म एक देश से दूसरे देश में प्रचलित होता गया। उनके अनुयायियों ने उनका इस तरह से प्रचार किया कि लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे और उनकी मूर्ति को घर में रखने लगे। चीन में उन्हें फेंगशुई का भगवान माना जाता है। जिस प्रकार भारत में वास्तुशास्त्र है उसी प्रकार चीन में उसे फेंगशुई कहते हैं, इसलिए आजकल भारत में भी काफ़ी लोग अपने घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना पसंद करते हैं। माना जाता है कि जिस घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है। लाफिंग बुद्धा का संदेश था कि किसी व्यक्ति का रोना और दुखी होना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वह हंस रही है, इसलिए लोग इस भ्रम से जागें और खुश रहें और मुस्कुराएं। तो यह थी लाफिंग बुद्धा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।